दूसरों के लिए आसियाना बनाते हैं और अपने बच्चों को धूल में लिटाते हैं। बारिश का मौसम हो या प्रचंड धूप या फिर ठंड का मौसम, फिर भी कष्ट सहकर ईंट भट्ठा के मजदूर दूसरों के घर बनाने के लिए अनवरत कार्य करते रहते हैं और उनके बच्चों का भविष्य इन्हीं मिट्टी व धूल में समाहित हो जाती है। नमस्कार, मामपुर वाला यूट्यूब चैनल से मैं अनुभव सिंह। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के बदलापुर क्षेत्र में स्थित एक ईंट भट्ठे के पास से गुजर रहे थे कि तभी हमारी नज़र ईंट भट्ठे पर कार्य करने वाले मजदूरों के छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी और यहां पहुंचकर देखा तो बच्चों के माता पिता ईंटों की पथाई के कार्य में जुटे हुए हैं और बच्चे मिट्टी व धूल में खेल रहे हैं। वहीं सुनने में आता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार बड़ा बजट प्रति वर्ष खर्च करती है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की उदासीनता से आज भी हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित दिखाई दे रहे हैं। इनकी सुधि तक लेने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, आप अपना नाम बताइए। यहाँ से आप कब से काम कर रहे हैं? 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपके बच्चे आपके साथ ही सब कार्य करते हैं? नहीं, खाली बार 3 लोग काम करते हैं। अच्छा ठीक है, 3 लोगों को मतलब स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र है, यहाँ पर कभी आपने देखा है भेजने की कोशिश की? नहीं, आंगनवाड़ी वाला कोई भी नहीं आया था, हम लोग देखने नहीं किए, कहाँ भेज पाए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अगर मतलब आपके लिए कोई कुछ मदद करे तो उसके लिए कुछ बताएं। ऐसे स्कूल वगैरह का सामने भी नहीं जाता था, हम लोग बाल बच्चे पिटाते हैं।